हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रत्नेश यादव आरपीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से एंड यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी रत्नेश यादव की तरफ से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल ज्ञात करूंगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में और उसका हमको मूल ज्ञात करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का तरीका बताया था, आप लोग वीडियोस को देखे होंगे जरूर। तो मैं आज दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का पिछले वीडियोस में मैंने बताया, आज मैं 4.2 का दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। बच्चों 4.2 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन का सभी क्वेश्चंस बताऊंगा, जो आप लोग ध्यान से मेरे वीडियोस को पूरा देखे और अच्छे से समझ पाए। जो भी छात्र 10th के छात्र होंगे वे हम पूरा वीडियो मेरे वीडियोज को देखे और अच्छी तरीका से जो आप इस जो क्वेश्चंस को है डील कर पाएंगे और एग्जाम में भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मैं आज पहला क्वेश्चन आपको बतला रहा हूँ। मेरे चैनल में जो भी देख रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए और आगे मैं आपको हमेशा अपडेट देते रहूंगा। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ आपके बीच। पहला क्वेश्चन है क्या, देखिए क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करें। तो हमें बनाना है गुणनखंड विधि, तो मैं बता रहा हूं आपके बीच, ध्यान से देखिएगा बच्चों। जब भी गुणनखंड विधि करेंगे तो रहेंगे आपको द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि फर्स्ट इनटू लास्ट, फर्स्ट में वन छुपा हुआ है, दोनों को गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो माइनस 10 और 1 माइनस 10 हुआ, ठीक है। और इस 10 को हम फैक्टर करते हैं तो 25 आया, 25 जा 10 आया, ठीक है। तो 25 जा 10, तो उसको हम ऐसा करते हैं कि हम कैसा करने पर हमको 3 आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा। चलिए हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, वेरी गुड। आप इसमें से हमको इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, क्या लेंगे बच्चों? कॉमन। अगर इस दोनों में से कॉमन x लिए तो बचा x माइनस 5, इसमें से प्लस 2 कॉमन लिए तो बचा x और 25 जा 10 माइनस 5, ठीक है। समझ रहे हैं बच्चों? बहुत अच्छा। चलिए इसी तरह से आप इसमें दोनों में सेम है, बराबर है, तो कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 और x प्लस 2 ये बच गया, ठीक है। इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, समझ गए। अब जो है हमको निकल गया, अब क्या करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 अलग अलग तोड़ दिए, तो x बराबर प्लस 5 और x बराबर माइनस 2 निकला। तो हमारा मूल क्या हो गया बच्चों? जो x बराबर निकला 5 और माइनस 2, ये हमारा रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो गया, यानी कि द्विघात समीकरण का मूल निकल गया। तो इसी तरीका से बच्चों हम अगले क्वेश्चन को भी इसी तरीका से डील करेंगे, इसी तरीका से बनाएंगे। चलिए मैं अगला क्वेश्चन भी बताता हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से एक बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा सवाल क्वेश्चन है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से मैंने इसको बताया उसी तरह से मैं उसको भी बनाऊंगा, वही प्रोसेस रहेगा, तरीका वही रहेगा, सेम टू सेम। मेन क्वेश्चन चेंज है, डील करना चेंज हो जाएगा, मतलब संख्या चेंज हो जाएगी, लेकिन नियम रूल वही रहेगा, ठीक है। चलिए बताता हूँ मैं क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, मैंने क्या बतलाया था, पहले क्या करना होगा, वेरी गुड, फर्स्ट इंटू लास्ट से गुना करना होगा, 2 और 6 के गुना करेंगे तो माइनस 2 मिल जाएगा, आएगा ना। और तो इसको हम फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टर 2 6 12 2 3 6, ठीक है। अब ऐसा इसको हम करते हैं माइनस प्लस कि हमको x लाना है, अगर 4 2 2 ना 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, x बच जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ रहे बच्चों? वेरी गुड। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, वेरी गुड। चलिए
आप इस दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, कॉमन, जिस तरह से इधर कॉमन लिए थे इसमें से हम 2x कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं 2x, तो बचा x प्लस इसमें से 2x ले लिए तो बचा 2, क्या बचा 2। अब इसको देखिए 2x में 2x स्क्वायर, 2 2 4x, ठीक है। अब इसमें से बच्चों माइनस 3d में कॉमन लिया तो बच गया x, ऐसा कॉमन लेंगे जो इसको बराबर होना है, ये संख्या यहां भी हमें बराबर होना चाहिए, तो कॉमन दोनों बराबर होनी चाहिए, तो 3 ले लिए तो x बचा, माइनस माइनस प्लस और 3 2 6, वेरी गुड। चलिए समझ रहे हैं, अब जो है इसमें से हम आप इस दोनों को कम, दोनों सेम है, सेम है ना, एक कॉमन ले लेते हैं, उसका तो बच गया ये बीच वाला 2x-3 = 0, वेरी गुड। अब 2x+2 और 2x-3 आ गया, तो x+2 = 0 एक तरफ कर दिया, 2x-3 = 0 हमको मूल निकालने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x बराबर -2 और 2x = 3, तो x = 3/2, तो क्या निकला बच्चों कि एक मूल मेरा निकल गया x = -2 और 1 3/2, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकल गया, मूल निकल गया। अब उसी तरीका से हम तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, बहुत आसान तरीका, वही नियम वही तरीका वही रूल, आपको तो जैसे मैं बताया उसी तरह एकदम आसान लगा होगा बच्चों, लगा ना, वेरी गुड। हमको लगता है कि आप खुद को खुद बना लीजिएगा, फिर भी मैं क्वेश्चन थोड़ा फंसाने वाला है, आप लोग कंफ्यूज कर देगा, तीसरा क्वेश्चन जो है कंफ्यूज है थोड़ा करेगा, इसलिए कंफ्यूज को दूर करता हूं आपके बीच। √2x² क्वेश्चन है +7x, उसके बाद +5√2 = 0, ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, मैं इसको भी डील करता हूं। चलिए आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, आप ध्यान से क्वेश्चन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आप देख लिए तो मैं इसको तोड़ता हूं, तो मैंने बताया था कैसे करना है, पहले फर्स्ट इनटू लास्ट, वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे, √2 और 5√2 को पहले गुना करते हैं, सीधा साइन थोड़ा कर लेते हैं, √2 × 5√2 √2 में √2 × 5 = 10, क्या आया 10। अब इसको हम फैक्टर करते हैं बच्चों, फैक्टर करेंगे तो 2 5, ऐसा इसका एड करेंगे कि हमको 7 लाना है, तो 5 और 2 का जोड़ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए √2x² + 5+2 × x + 5√2, बहुत अच्छा समझ गया बच्चों, वेरी गुड। चलिए अब मैं इसको √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बच्चे समझ रहे हैं, बहुत खुश है हमें भी। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, क्या लेते हैं बच्चों, कॉमन, कॉमन में इसमें से लेते हैं कॉमन x, तो लेंगे जब x कॉमन तो √2x बचेगा, अगर इसमें से x कॉमन लिए तो बच गया 5 इधर। आप देखिए इसमें थोड़ा देखिए, अगर यहां हम √2x है यहां पे, तो अगर कॉमन लेते हैं बच्चों √2, क्या लेते हैं कॉमन √2, तो यहां √2x होगा। अब देखिए चूंकि इसलिए होगा कि √2 में अगर √2 से गुना करते हैं और यहां x तो x ही है, तो 2x पूरा जाएगा, गुड समझ गया। चलिए तो √2x अब हम √2 कॉमन ले लिए तो बच गया 5, दोनों समीकरण बराबर मिल गया। चलिए अब ये दोनों जब बराबर है तो कॉमन लेते हैं, चलिए कॉमन ले लिए, अब बच गया x + 2 = 0, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। अब जो है इतना तो समझ रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0, अब यहां देखते हैं कि √2x = -5 और यहां x = -√2, ठीक है, तो x = -5/√2 x = निकला -√2, तो मूल क्या निकला बच्चों, x बराबर
एक माइनस फाइव बटा रूट टू और एक माइनस रूट टू। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकल गया, यानी कि मूल निकल गया। समझ रहे हैं बच्चों? बहुत अच्छा समझ गया। हमें तो लगता है कि आप जो भी क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर एक का है, दो क्वेश्चन बच गया, हमें लगता है आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। बना लीजिएगा ना? चलिए, हमको लगता है कि आप बना लीजिएगा। बहुत अच्छा बच्चों। तो इसी तरह मेरे चैनल को आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा। जरूर बेल आइकन दबाइएगा, तभी तो आपको मेरा वीडियोस अगले अपडेट मिलेगा। जो दसवीं कक्षा के जो छात्र हैं, जो बिहार बोर्ड के अंतर्गत या किसी भी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो हम हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे हैं और सीबीएसई थोड़ा इंग्लिश मीडियम से होगा, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है, हल वही करना होगा, सिर्फ इंग्लिश को समझना है उसमें, हम हिंदी मीडियम से बताते हैं। तो जो भी बच्चे क्लास टेंथ के छात्र होंगे, आप मेरे चैनल के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बार जब मेरे वीडियोस को देखिएगा, अगर वीडियोस देखते हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका मेरा वीडियो जो भी डालेंगे आप देखिएगा। तो मैंने आज बताया एक्सरसाइज के बारे में, सभी क्वेश्चंस को बताया, डील किया, दो क्वेश्चन बचा, दो क्वेश्चन आपको टास्क दे दिया मैंने, और इसी तरीका से आप सभी क्वेश्चन को बना लीजिए। और अगले वीडियो में मैं 4.2 का दूसरा क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, 2 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो इसी तरह मेरे वीडियोस को देखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा और बच्चों को भी मजा आएगा पढ़ने में, कि सर जो है थोड़ा बतलाते हैं। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। मेरे आरपीएस स्टडी रत्न से यादव की ओर से आप सभी बच्चों को जो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। इसी तरह मेरे वीडियोस को देखिए और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।